Hello everyone, welcome to IFS. I hope you're doing fine. Students, आज का हमारा concept है कौन से सात characters ने choose. काफी simple चीज है, बहुत time से पढ़ते आ रहे हैं. Still क्या रहता है कि हमारे पास में कुछ doubts रहे और बहुत बार ये question जाता है कि इनमें से कौन सा dominant character था, इनमें से कौन सा recessive character था और basically character ही कौन सा था. उसके ऊपर कई बार small questions पूछे जाते हैं. आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट आर द सेवन कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बाय द हैंडल फॉर इट्स. एक एक करते हम देखते हैं बच्चों. फर्स्ट जो हमारे पास में इन्होंने लिया था, चूज किया था सीड के कुछ कैरेक्टर्स. सीड के कैरेक्टर्स लिए थे इन्होंने, दो कैरेक्टर्स लिए थे, एक सीड की फॉर्म और दूसरा सीड के अंदर जो कॉटिल्डन्स प्रेजेंट है. तो सीड की फॉर्म का मतलब हुआ बच्चों कि सीड की शेप कैसी, तो किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है इस सीड फॉर्म. सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, बेसिकली सीड का एक जनरेशन कुछ करता है कि आगे उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, प्रोफिटिक करता है. सीड के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो थे, एक था बच्चों ग्रे एंड राउंड, दूसरा था वाइट एंड रिंकल्ड. बेसिकली एक हमारे पास में जो डोमिनेंट फॉर्म है वो रहता हमारे पास में ग्रे एंड राउंड, और दूसरा जो रिसेसिव फॉर्म में था वो था राइट वाइट एंड रेड. फिर हम कॉटिल्डन्स की बात करें तो दीज आर कॉटिल्डन्स क्या काम करते हैं, बेसिकली ये न्यूट्रिशन देते हैं एम्ब्रियो को. कॉटिल्डन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में. इन्होंने जो पी प्लांट लिया था वो एक तरीके से डाइकॉट प्लांट था, इल्यूनेसी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है वो. तो पी प्लांट जो है वो एक डाइकॉट है, तो वहाँ पर दो कॉटिल्डन्स प्रेजेंट, वो कॉटिल्डन्स करते हैं न्यूट्रिशन देते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को. तो कॉटिल्डन्स येलो हो सकते हैं अगर डोमिनेंट की बात करें, और ग्रीन हो सकते हैं या फिर रिसेसिव की बात करें. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप डोमिनेंट और रिसेसिव को देखिए. डोमिनेंट कैरेक्टर है कौन सा, रिसेसिव कैरेक्टर है ऑल्सो कैरेक्टर का है, और किस चीज का कैरेक्टर है. तो इस सीड के दो थे, एक फॉर्म और कॉटिल्डन. फिर फ्लावर का इन्होंने एक कैरेक्टर चूज, फ्लावर का हमने एक कैरेक्टर चूज, द वन इज कलर. अब इसके साथ में कंफ्यूज मत, स्टार की पोजीशन क्या है, वो कैरेक्टर हो जाता है स्टेम का. स्टार का एक था कि कलर या तो वाइट रहेगा या फिर वायलेट रहेगा, तो कलर के फॉर्म पर वो के अंदर डिवाइड किया, वन इज डोमिनेंट अदर वन इज. फिर पॉड की बात करें, व्हाट इज पॉड, पॉड इज बेसिकली द फ्रूट, लेग्यूमिनस प्लांट रहता है, पॉड रहता है. तो पॉड क्या है इसका, या तो है फॉर्म, देखें पहला हम पॉड के दो कैरेक्टर्स लिए थे, एक था फॉर्म, तो फॉर्म में या तो फुल हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है. फुल को भी आपने कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड पढ़ा होगा, इन्फ्लेटेड मतलब फुल ही होता है, फुल मतलब जैसे बलून है उसको फुला देते हैं तो वो इन्फ्लेटेड हो जाता है. और अगर वो इस तरीके से इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम कॉन्स्ट्रिक्टेड बोल देते हैं, या तो फुल होगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा. तो फुल होगा तो इसको अपन इन्फ्लेटेड बोल सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा. देन दूसरी बात करें हम कलर की, तो कलर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, डोमिनेंट है तो बेसिकली हमारे पास में येलो कलर का प्रेजेंट हो सकता है, और या फिर हमारे ग्रीन कलर का प्रेजेंट. कलर कलर कैन बी येलो और ग्रीन. देन स्टेम की बात करें हम, तो स्टेम के अंदर हम प्लेस और साइज देखते हैं. देखो बच्चों, तो स्टेम के अंदर फ्लावर की पोजिशन देखें, फ्लावर की पोजिशन या फिर पॉड्स की पोजिशन देखें, तो बेसिकली एक तो पोजीशन हो सकती है एक्सियल और दूसरी हो सकती है टर्मिनल. तो एक्सियल तो होती है डोमिनेंट, टर्मिनल होती है रिसेसिव. साइज आपको पता है लॉन्ग या शॉर्ट हो सकता है, साइज कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट. ये टॉल और ड्वार्फ वाली बात है, टॉल हो जाएगा डोमिनेंट और ड्वार्फ हो जाएगा रिसेसिव. अब एक्सियल और टर्मिनल अगर आपको थोड़ा, व्हाट इज एक्सियल पोजिशन बेसिकली, देखो ये हमारे पास में स्टेम, ये यहाँ पर इस तरीके से ब्रांचेस डेवलप हो रही है, ये भी हमारे पास में स्टेम, और यहाँ पर इस तरीके से ब्रांचेस डेवलप. तो कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन सपोज कीजिए फ्लावर यहाँ पर डेवलप हो रहा है एकदम एंड पे, टर्मिनल पोजिशन पे फ्लावर डेवलप हो रहा है, तो बेसिकली हम इसको टर्मिनल. और अगर फ्लावर इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ लग रहा है एक्सियल पोजीशन, मतलब जहां से ब्रांच निकल रही है उस पोजीशन से डेवलप हो रहा है फ्लावर, तो उसको अपन बोलेंगे एक्सियल.
एक्सियल इज डोमिनेंट एंड द टर्मिनल इज, बच्चों योर टुडेज कॉन्सेप्ट, सेवन हमारे पास में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, सीड फॉर्म, सीड कॉटिलेडन, फ्लावर कलर, देन पॉड का फॉर्म एंड कलर, देन स्टेम के अंदर एक्सियल पोजिशन, पॉड एंड फ्लावर की पोजिशन या फिर स्टेम का साइज। बच्चों सेवन कैरेक्टर्स को आप याद रखोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर दीजिए लाइक। अगर आप न्यू है